नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जो है टिकटॉक पर अपना गाना गा, ठीक है, अपना पसंद के गाने के साथ या अपने पसंद के डायलॉग के साथ वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वीडियो पर शूट करते हैं, क्लिक करते हैं, और ऐड ए म्यूजिक पर, मतलब ऐड ए साउंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपका जो साउंड है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आप कोई सर्च भी कर लेते हैं, लेकिन आपके पसंद का साउंड जो है आप पहले से सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी उसे बिगो या लाइक या किसी यूट्यूब पर देखा, अब उस साउंड को आप यूज़ करना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक और अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पार्लर स्पेस की मदद से एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले से क्रिएट करके रखा हूँ, यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है और उस अकाउंट को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एक और अकाउंट है यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, यहाँ पर देख सकते हैं बीगो वीडियो का ये लोगो भी लगा हुआ है, ये बीगो वीडियो का वीडियो है और इसका म्यूजिक, ठीक है, इसका म्यूजिक आप लगा सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले इस पर आपको जो मतलब ख़राब है ये आईडी जो बेकार समझिए इसे, इस पर सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसका जैसे किसी का भी वीडियो है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ से लेके कर दिया, तो यहाँ से लेके मुझे क्या करना है, यहाँ से अपलोड उसे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आप प्रोसेसिंग करना है, उसके बाद जो जैसे लेके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद जो देख सकते हैं मैं इसे पहले से अपलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है इस गाने का, ठीक है, इस गाने का हमें क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है, या फिर आपको इसको क्या करना है, मैसेज के थ्रू आप अपने फ्रेंड को, ठीक है, सेंड कर दीजिए। दो तरीके हम बता दिया, ठीक है, या फिर आप कॉपी कर लिए हुए तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर इसको क्या कर दीजिए, आपको इसे शेयर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके मतलब तो तीन तरीका, यहाँ पर आपको जो लिंक कॉपी किया है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जिससे आपको वहाँ पर खोजने में ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही मेरे क्या करते हैं ये वीडियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, मुझे शेयर वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। शेयर वाले पर क्लिक करने के बाद ऐड टू फेवरेट पर हमें क्लिक कर देना है, जैसा कि देख सकते हैं ऐड हमारा हो गया फेवरेट वाले पर। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर बैक आते हैं, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर हम वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, ये मेरा अकाउंट देख सकते हैं इस पर अभी 1000 फॉलोअर है, तो यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे तो ऐड ए सॉन्ग पर क्लिक करते हैं, और माई फेवरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फेवरेट में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे फिर से हम क्या करेंगे, उस वाले वीडियो पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से उस वाले वीडियो पर हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, यहाँ पर हम इसका जो वीडियो है हम ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो है, इसका जो साउंड है, ठीक है, साउंड को यहाँ पर मैं फेवरेट कर लिया। अब जो देख सकते हैं, ठीक है, अब हम फिर से जा रहे हैं अपने बैक वाले पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड ए साउंड पर आ गया, माय फेवरेट पर आ गया, देख सकते हैं मेरा जो साउंड है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इसका यूज करके जो है हम, ठीक है, अब इसका यूज करके हम यहाँ से वीडियो बना सकते हैं, फोटो टेम्पलेट, या दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने मतलब फोटो टेम्पलेट में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक छोटा सा ले लेता हूँ उदाहरण के लिए फोटो टेम्पलेट का। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर ले जो दो फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको उस साउंड को, ठीक है, उस गाने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट साउंड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से वही क्या करना है, माई फेवरेट वाले पर क्लिक करना है। अब उस गाने को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो है आप नेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट करके आप जो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। अब आपका जो गाना है, आपके पसंद के गाने आपको मिल गए और आपका वीडियो भी बन गया। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और ट्रिक बताने के लिए कृपया हमें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आगे मोटिवेट मिलते रहे, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।